व्हाट्स अप, दिस इज मी एलेक्स एंड यू गाइस वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द ट्विंकल व्लॉग्स। तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहा था कि मैं व्लॉगिंग करूँ बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। देन आज मुझे टाइम मिला है, और टाइम भी कैसे मिला, मैं लगभग 20 से 25 दिन का रेस्ट लिया हुआ था अभी, और अभी मैं मस्त फ्री हुआ हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया था कि मैं गिम्बल पे वीडियो बनाऊँ क्या, तो फिर बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में बोला था कि गिम्बल पे हमसे गिम्बल बैलेंसिंग नहीं हो पा रही, अच्छे से बैलेंसिंग हो रहा है लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आ रहा है, पैनिंग सही से नहीं हो रहा है, पैनिंग हो रहा है तो जर्क आ रहा है। तो मैं आपको ये सब चीज़ जो है आज जो है इस व्लॉग के अंदर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। और तो फिर चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम थोड़ा सा सिनेमैटिक कर दूँ, तो मेरे को बंदे की ज़रूरत होगी ना, तो मैंने इसको ले लिया। गाइस अपन पहुँच चुके हैं, अपन गाँव से ज़्यादा दूर नहीं आए, बस 4 किलोमीटर दूर आए, कौही में आए हैं। और मेरे पास है ज़यून का क्रेन 3 लैब, जिसकी बैलेंसिंग आज हम करने वाले। तो पहले तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, इसमें कितने एक्सेस हैं, इसको बैलेंसिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया बेस प्लेट, ये कैमरे में लगेगा और ये यहाँ फिट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको ये कर लेते हैं। और ये जो है हमारा ग्रिप हैंडल है, ये अलग से होता है, इसको लगाना पड़ता है हमको बाद में। यहाँ पर बच्चे थोड़े खेल रहे हैं तो आपको साउंड आ रही होगी, इग्नोर करो उसको। ये हमारा ग्रिप हैंडल है जो कि लगा लिए, और ये लगाना बहुत जरूरी है, काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसा कि मैं 2 बार 3 बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, इसको बोलते हैं बेस प्लेट। और ये गिर गया, तो इसको हम लगाएंगे कैमरे में, और ये जो है इसको सेंटर में रखना, ना एंडिंग में ना स्टार्टिंग में, इसको सेंटर में रखना, और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दो ताकि ये अपने जगह से हिले डुले ना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये टाइट हो चुका है और मैं इसको कैमरे पे फिट कर लेता हूँ। ये जो है इसको यहाँ से ऐसा पीछे की तरफ खींचना है, इस साइड से देख लो, ये जो है इसको पीछे की तरफ खींचना है, और ये थोड़ा सा टाइट हो गया ये। और हमको इसको ये जो यहाँ पर लॉक अनलॉक दिया होता है, ये देखो सारे एक्सेस में, जितने भी एक्सेस है इसके सब में लॉक अनलॉक दिया होगा, यहाँ पर भी लॉक अनलॉक दिया है, ये भी लॉक अनलॉक। अगर हम इसको अनलॉक करते हैं तो ये देखो गाइस ये हिलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड अगर लॉक कर देते हैं तो फिर ये स्टेबल रहेगा एक ही जगह पर। अब गाइस आता है इसको बैलेंसिंग करने के लिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बोला था हमसे बैलेंसिंग नहीं हो रहा, बैलेंसिंग के लिए कोई वीडियो बनाओ, तो फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले गाइस इसको मैं थोड़ा यहाँ पर बैठ जाता हूँ, ये जो है अभी हिल रही है, तो पहले इसको कुछ ऐसा करो कि ये स्टेबल रहे, मतलब ना आगे की ओर झुके ना पीछे की ओर, ठीक है। ये जैसा ही मतलब स्टेबल हो जाता है, बीच में एक सेंटर ले लेता है, तो ये देखो ये सेंटर ले लिया। अब इसको यहाँ से ये जो इधर आ जाओ, पास में आ जाओ, इधर दिखा दो, ये जो दिया है इसको हम सामने की तरफ पुश करें तो ये टाइट हो जाएगा, अब ये हिलेगा नहीं कहीं से, ठीक है। ये जो हमारा गिम्बल है ये है ज़यून का क्रेन 3 लैब, जिसमें होते हैं 3 एक्सेस, ये एक 3 एक्सेस गिम्बल है। सबसे पहले आता है हमारा टिल्ट एक्सेस, उसके बाद आता है पैन एक्सेस, ठीक है, और फिर ये जो लास्ट है, ये जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं हम रोल एक्सेस, ये रोल एक्सेस। और ये जो दिया है ये अपना हो गया पैन एक्सेस, और ये अपना टिल्ट एक्सेस। एंड गाइस अब ये हमारा जो टिल्ट एक्सेस है, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है इसको बैलेंसिंग करना। देखो ये अभी ऊपर की साइड स्टेबल नहीं हो रही है, एक मिनट मैं ये कैप निकाल लेता हूँ, ये ऊपर की साइड स्टेबल नहीं हो रही है, देखो बिल्कुल भी, मतलब ये बिल्कुल बैलेंसिंग इसकी लॉस है। सिर्फ ये जो है ये एक सेंटर दिया है मैंने इसको, तो अभी ये स्टेबल है, सेंटर दिया तो ये स्टेबल है। देन हम ये टिल्ट एक्सेस पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो हमको कुछ ऐसा करना है कि ये ऊपर की साइड स्टेबल हो जाए, ठीक है, ये देखो, और ये इसको यहाँ से अप डाउन करना है, तब जाके ये ऐसा बैलेंस हो पाएगा। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि ये ऊपर की साइड स्टेबल हो। देखो गाइस अभी स्टेबल हो गई, अभी आपने देखा कि ये हिल रही थी और अभी स्टेबल हो गई। जैसे ये स्टेबल होती है हम इसको लॉक कर लेते हैं, हमारा टिल्ट एक्सेस कंप्लीट हो जाता है। देन हम किधर भी घुमाएं,
ये बिल्कुल बैलेंसिंग इसकी सेट हो गई। एक टाइम था जब स्टार्टिंग में ये बिल्कुल ऐसा ऐसा हिल जा रहा था, तो अभी मैं इसको स्टेबल करके दिखा रहा हूँ, ये देखो। तो हमारा टिल्ट एक्सेस कंप्लीट हो गया गाइस, और हम आ जाते हैं, तो हम पैन एक्सेस को बैलेंस कर लेंगे अब। तो देखो गाइस, पैन एक्सेस भी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, तो इसको भी बैलेंस करना है। अगर ये राइट साइड डाउन हो रहा है तो ये जो है इसको आप लेफ्ट साइड पुश करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। ये भी मतलब इसको भी एक सेंटर देना है, देखो भाई ये भी हो गया बिल्कुल। और अगर मैं इसको ज़्यादा पुश कर देता हूँ तो ये लेफ्ट साइड झुकेगा, ये देखो। अभी थोड़ी देर पहले राइट साइड झुक रही थी एंड अब ये लेफ्ट साइड झुक रही है। अगर लेफ्ट साइड झुके तो इसको राइट साइड खींचो, तो ये भी बिल्कुल बैलेंस हो गया है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये कहीं भी मतलब झुके ना। अगर हम यहाँ स्टेबल करते तो ये यहीं रुकना चाहिए, यहाँ स्टेबल करे तो यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ सेंटर पे स्टेबल करे तो ये सेंटर स्टेबल करे तो सेंटर में रुकना चाहिए। तो ये भी गाइस बिल्कुल मतलब बैलेंसिंग हो चुका है ये, और इसको लॉक कर लेते हैं गाइस। जो भी एक्सेस आप बैलेंसिंग करते हो वो आपको लॉक कर लेना है। अब आते हैं हम फाइनली रोल एक्सेस पे। ये होता है रोल एक्सेस, इसका लॉक अनलॉक यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसको पहले अनलॉक कर लेते हैं। तो ये अनलॉक हो गया, और ये देखो ये भी मतलब बैलेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है रोल एक्सेस। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रोल एक्सेस कैसे बैलेंस करेंगे, तो मैं बताता हूँ रोल एक्सेस कैसे बैलेंस होता है, ठीक है। ये हमारा रोल एक्सेस है, इसको हम थोड़ा सा सामने की तरफ, पहले हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये देखो मतलब ये स्टेबल होना चाहिए इसको। एक्सेस है, हम इसको यहाँ से सामने की तरफ पुश करेंगे, यहाँ आ जाओ। इस पर एक ये काउंटिंग दिया है, MM जो बोलते हैं स्केल की तरह, मुझे बोलना नहीं आ रहा अच्छे से, बट इसको हम इधर ये ऐसा स्लाइड कर करके हमको इसको बैलेंस करना है। तो मैं इसको 2.0 पे रखता हूँ और फिर ट्राई करते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली मुझे अंदाज़ा हो गया, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपसे फर्स्ट टाइम में भी मतलब थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। ये 2.0 पे तो नहीं हुआ, अब हम इसको 2.5 पे लेके जाते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। 2.5 पे लेके गए, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है देखो। एंड हम इसको राइट साइड भी डाउन करके देखते हैं, ये परफेक्ट है, थोड़ा सामने ये भी परफेक्ट है। तो हमारा जो गिम्बल है वो कम्प्लीटली बैलेंसिंग हो चुका है, ठीक है। अब हम जैसे ही ये सारे एक्सेस बैलेंस कर लेते हैं, हमको इन सब को अनलॉक कर देना है। अनलॉक अनलॉक अनलॉक, इसको आपको पुश करके रखना है थोड़े टाइम तक, फिर ये स्टार्ट होते ही अपना पोजीशन ले लेता है। तो ये हमारा गिम्बल स्टार्ट हो चुका है बैलेंसिंग के साथ, बहुत अच्छे से हमने इसको आसानी से बैलेंस कर लिया। और अब बारी है इसको पैनिंग करने की। बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी कि उनको वीडियो में जर्क आ रहा है, तो गाइस आप एक्चुअली जर्किंग का क्या प्रॉब्लम है, बहुत लोग क्या करते हैं, हम जब सामने की तरफ कोई भी जैसा कि ये कुत्ता हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कुत्ता हमारा सब्जेक्ट है एंड हमको इसको फ्रेम में लेना है, हमको इसको वीडियो बनाना है, देन आपको जर्किंग आएगी। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा ये जो आपकी लेग है इसको थोड़ा सा आप इसको फोल्ड कर लो, देन आप सामने की तरफ पुश करेंगे तो ये बिल्कुल भी जर्क नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हम डायरेक्टली ऐसा स्टेबल हो के ही ऐसा चलते हैं तो गाइस देख सकते हो कि ये थोड़ा सा हिलता है ऊपर नीचे। हाँ हाँ,
तो वही है गाइस, उसके कारण थोड़ा सा वर्क आ सकता है। वर्किंग बैलेंसिंग से भी होता है, अगर आप सही से बैलेंस ना करो तो भी वर्किंग आएगा। चलो अभी हम थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स निकाल लेते हैं। आप गिम्बल बैलेंसिंग करते हो, बहुत लोगों की आदत है कि वो अच्छे से बैलेंसिंग नहीं करते। हालांकि गिम्बल तो वो मेंटेन कर लेते हैं, कैमरे को मेंटेन कर लेते हैं अपने मोटर्स के कारण, लेकिन उनके मोटर्स को क्या है, ज़्यादा लोड उठाना पड़ता है, ज़्यादा वेट उठाना पड़ता है, जिसके कारण से आपके गिम्बल के मोटर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी गिम्बल यूज़ करते हो परफेक्ट बैलेंसिंग करो, ताकि आपका मोटर का यूज़ कम हो। अगर आपका आपने सही से बैलेंस नहीं किया अपने गिम्बल को, तो आपकी मोटर्स जो है वो ज़्यादा लोड उठाएंगी, ज़्यादा वेट उनको ज़्यादा हैवी पड़ेगा, तो आपकी गिम्बल के मोटर्स ख़राब हो सकती है, जिसकी कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। तो वही चीज़ है गाइस, गिम्बल यूज़ करते हो सावधानी से यूज़ करो, अच्छे से बैलेंसिंग करो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, और कौन कौन है जो गिम्बल यूज़ करता है, कौन कौन फोटोग्राफर्स हैं, सब मेरे को कमेंट करके बताओ। वीडियो कैसे लगी ये भी बताओ, वीडियो समझ में नहीं आया वो भी बताओ। और मैं क्या बोल रहा था, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और साथ ही यार सोनू, तुम कुछ बोलना चाहोगे? लाइक करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे बोल रहा है तो इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आई एम प्रवीण 12 ना, हाँ आई एम प्रवीण 12 करके इसकी इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, भाई को फॉलो कर दो। और मुझे तो यार कर ही लेना इंस्टाग्राम पे फॉलो।